जय श्री श्याम एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। तो आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। सो, आज है संडे, आज हम अपने घर पे और अभी पूरा दिन निकल चुका है। सुबह के बज चुके हैं 8, तो हम उठ तो गए थे, उठे हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया, तो हम उठ गए थे। बट आज संडे है तो फिर हम आराम से, हमने अपनी चाय पी है। अभी चाय पीने के बाद हमारा बिस्तर ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो अभी बिस्तर हटाना है। तो प्रिया थोड़ी सफाई कर रही है, तो मैं बाहर आया था तो मैंने देखा हमारे एसी की बुरी हालत कर रखी है कबूतरों ने। वैसे मैंने इस पर वो डाल दिया था, कवर डाल दिया था, बट फिर भी इसकी कंडीशन ख़राब कर दिया कबूतरों ने। इस पर इतनी सारी आप देख सकते हो, मैं इसकी पूरी हालत ख़राब कर रखी है, पूरी दीवारें भी ख़राब कर दी। मैं पूरा दिन इनको भगाता भी हूँ, अगर मैं घर पे होता हूँ, मम्मी होती है तो इनको भगाती रहती है। तो हम इन कबूतरों को यहाँ से उड़ाते हैं, अगर मैं घर पे होता हूँ तो पूरा दिन मैं उड़ाता रहता हूँ, मम्मी होती तो मम्मी, बट ये क्या है, फिर भी यहाँ पे इन्होंने इसकी कंडीशन बिल्कुल ख़राब कर दिया। तो पूरा ये मैट वो ख़राब हो गया। वैसे तो अभी ये चलेगा ही, 15-20 दिन में इसको फिर चलाना ही है, तो अभी फिर ये कवर निकलेगा, फिर हम इसकी साफ़ सफाई करेंगे। तो अभी संडे मीन सफाई हमारे लिए वही होता है, संडे है तो फिर हमें सफाई करनी होती है, तो जिसके लिए मैडम जी ने पूरे कपड़े यहाँ पे निकाल दिए। तो सर्दी तो अभी पूरी तरीके से जा चुकी है, तो गर्मी आने लगी है अभी। तो जो सर्दियों के कपड़े थे अभी वो उठा के हम बेड में रख देंगे, क्योंकि अलमारी भी खाली करनी है, क्योंकि जो गर्मियों वाले कपड़े हैं वो अलमारी में आ जाएंगे और जो सर्दियों वाले हैं वो हम अंदर बेड के अंदर रख देंगे। तो ये पूरे कपड़े आप मेरे पीछे देख सकते हो, निकाल दिए हैं प्रिया ने, तो अभी मैं यहाँ से उठा के इन्हें मैं भी हेल्प करा दूँगा, फिर हम इनको बेड में रख देंगे। तो जल्दी से हम साफ़ सफाई कर लेते हैं, फिर आज जाना है कृत की बुक्स लेने, संडे है तो वहीं पर आज कृत की बुक्स भी मिलेंगी। तो वैसे तो मैडम जी जाएंगी, देखता हूँ अगर मैं भी जाता हूँ तो, वैसे मैडम जी जाने वाली है उसको लेने लेके। तो यहाँ पे पूरे कपड़े निकाल दिए हैं, अब इनको रख देते हैं, तब तक प्रिया इधर की सफाई कर रही है, तो अभी मैं भी हेल्प करा देता हूँ थोड़ी सी, फिर नहा धो के फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या करते हैं। तो अभी सफाई कर देते हैं। तो अभी जो ऑलमोस्ट कपड़े थे वो निकाल दिए हैं मैंने, यहाँ पे अपनी अलमारी से जितने भी मेरे कपड़े थे वो निकाल दिए हैं। तो अभी प्रिया ने यहाँ पे थोड़े से कपड़े जमा दिए हैं, तो अभी प्रिया पूरे बेड में जो सर्दियों वाले कपड़े हैं वो पूरे बेड में लगा रही है। तो अभी मुझे लग रहा है इस ड्रॉर में भी थोड़े से कपड़े हैं, तो पूरे जितने भी कपड़े हैं सारे बेड में रख देंगे, जो भी गर्म वाले कपड़े हैं। सिर्फ जो कपड़े मुझे सिर्फ एक अपर रखूँगा मैं, जिससे कि अगर ठंड लगती है तो वो हम पहन सकें। तो अभी सारे कपड़े यहाँ पे जमा देते हैं अभी। तो प्रिया वो सारे कपड़े लेकर आ रही है जो भी गर्मियों वाले हैं, वो सॉरी सर्दियों वाले हैं, तो सारे कपड़े यहाँ पे पूरे बेड में यहाँ पे जमा देंगे। क्योंकि जो होता है सर्दियों वाले कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा तो नहीं, ज़्यादा भी हो जाते हैं और ये हैवी कपड़े भी रहते हैं, तो उससे क्या है फिर उसको स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है। तो अभी अलमारी से जितने भी सर्दियों वाले कपड़े निकले हैं तब एकदम से स्पेस हो गया उसमें पूरा, तो प्रिया यहाँ पे जमा देती है पूरे, फिर हम इसको क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। सो गाइस, अभी हमारा सारा काम हो चुका है, तो अभी मेरा खाना आ चुका है, तो मैं खाना खाऊंगा। ये मेरा खाना रखा हुआ है यहाँ पे, मैं बैक करके आपको दिखाता हूँ कैमरा। ये हमारा खाना रखा हुआ है, ये है साग, छाछ है और पराठा है और ये चटनी है। तो ये चटनी कम और गाजर का हलवा ज़्यादा लग रही है। तो अभी मैं खाना खा लेता हूँ, तो अभी खाना खा लेता हूँ ये, उसके बाद जाना है कृत की बुक्स लेने के लिए, उसके बैक टू बैक कॉल आ रहे हैं, तो फिर अभी उधर चलेंगे, पहले हम खाना फिनिश कर लेते हैं फिर चलेंगे उधर। कुछ सामान भी लाना है घर का जो ख़त्म हो रहा है, तो उधर से सामान भी लेते हुए आएंगे, तो पहले मैं अभी खाना खा लेता हूँ फिर चलेंगे काफ़ी अंश के पास। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं दीदी के घर, तो वहाँ से जाएंगे बुक्स लेने कृत की, तो
अभी मैं आ गया हूँ, बाइक की चाबी मैंने ले ली अपने साथ में, तो मैडम यहाँ पे लॉक लगा देंगे, फिर मैडम भी आ रही है नीचे। अभी चलता हूँ नीचे, वहाँ से प्रीत को लेना है, फिर जाएंगे हम प्रीत के स्कूल। तो चल देते हैं अभी फिलहाल। तो अभी मैं और प्रिंस डैडी होके निकल चुके हैं दीदी के घर जाने के लिए। वहाँ आज हमें कितने स्कूल जाना है बुक्स लेने के लिए, तो फिलहाल मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। घर का तो सारा काम वगैरह हो गया था, अब हम फ्री हो चुके हैं बिल्कुल, तो अभी वहीं जा के मिलते हैं। वैसे हम पहुँच ही गए हैं दीदी के घर पे, 1 मिनट की दूरी पे तो दीदी का घर है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं दीदी के घर पे, तो अभी हम पहुंच गए यहाँ पे, और देखो हे लकी आ चुका है। हाँ जी, चलो अंदर चलो। तो लकी आ गया, पैरों में भाग आता है ये पहले ही। आ जाओ अंदर, आ जाओ लकू। इनके स्कूल जाना है, ये पढ़ेंगे, अफसर बनेंगे, तो इनकी किताबें लेके आनी है। ये पढ़ेंगे, इनकी अफसर बनेंगे, इनकी किताब लेके आनी है बड़े लकी की। तभी चलते हैं अंदर पहले। लकी क्या खा रहा है? लकी खाना खा रहे हैं। लकी उई उई उई। खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो खा ले खा ले खा ले। कृत कुछ दिखा रहा है, क्या दिखा रहे हो? तो कृत बिल्कुल बिल्कुल अकेले दिखाने वाला है, क्या है? अच्छा, ये पैसे दिखा रहा है। इतने रुपए की तो चीज आएगी भाई। तो ये सामान आएगा इसका, ये बहुत महंगे पड़ते हैं। 20,000 रुपया। 20,000 रुपया जाते हैं इनके पढ़ने के। तो अभी ना जाते नहीं है पढ़ने के, और लाने की चीज लाने के। मैं तो बैग भी लाऊंगा। बैग आएगा, इनका सामान आएगा, इनकी ड्रेस आएगी, तो उसके पैसे हैं ये। तो अभी देखते हैं, मामी को दे दो, मामी के मामी के पास रख दो, मामी को रख, मामी के पास रखो। लकी खा लिया, पेट भर गया आपका, पेट भर गया आपका। पहले इसका मुंह साफ करो, जाओ लकी का मुंह चाटो, जाओ जाओ मुंह चाटो लकी का। कैसे तो आप तो वैसे भी इसको चाटते रहते हो लकी। लकी चलो चलो, तेल है हे राम हे प्रभु, ये तो रिकॉर्ड हो गया। हे प्रभु ये तो रिकॉर्ड हो गया। रुक दे रुक गया, गिर गया, बस बस। ये बदतमीज लड़का, ये है बदतमीज। चलो अपने लकी का एडमिशन कराएंगे, ये जाएगा पढ़ने। क्यों कर रहे हो उसको? ये हमारा लकी है जो पढ़ने जाएगा, ये लकी। कितनी परसेंटेज आई आपकी बताओ गाइस को, है? तो गाइस अभी दिन का बज चुके हैं 1:00 हो रहा है अभी, और पूरी धूप निकल चुकी है, तो हमें जाना है इनकी बुक्स लेने। लकी दुनिया भर स्कूल, पता है आपको? तो हम जाएंगे स्कूटी से, क्योंकि स्कूटी पे क्या है काफी सारा सामान हमारा आ जाएगा। चलो मैं बता दूंगा स्कूल, स्कूल बताएगा कृत बताएंगे। तो अभी हम चल देते हैं फिलहाल। हाँ तो ये खड़ी हमारी सवारी, अभी हम इस पे जाएंगे। तो मैडम आ चुकी हैं। मैडम आपको कौन से रास्ते से जाना है, सीधे से उधर से? तो रास्ता ये कृत बताएगा हमें, कौन से रास्ते से जाना है। हमें गलत मत पहुँचा देना आप कहीं, कौन से रास्ते से जाना, सही जगह पहुँचाओगे ना? ठीक है, पादा पादा से नहीं चलेंगे हम, आधा पादा से गलत हो जाएगा रास्ता। नहीं दोनों है, नहीं चलो दोनों तरफ से रास्ते हैं। नहीं दोनों तरफ से नहीं, अभी चल देते हैं हम, फिलहाल लेट हो जाएंगे, रास्ते बनाएंगे। चलो मैं ऐसे पूछ लो कहां। तो यहां हमें लग रही है धूप, हम निकलने वाले हैं, मतलब
और यहाँ सवारी हो चुकी है हमारी तैयार। गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इससे आगे का ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। जय श्री श्याम दोस्तों।